सनसनाती तेज हवाओं के बीच दूर टीले पर खड़ी वो अनजानी रहस्यमय बुढ़िया जैसे श्रावणी को होश में लाने के लिए कोई जादू सा कर रही थी। जैसे श्रावणी इतनी दूर होकर भी उसकी झुर्रियों भरी बूढ़ी आंखों के ठीक सामने हो। श्रावणी के शरीर में हलचल होती देखते ही वो बुढ़िया फिर अजीब ढंग से हंसने लगी। उसकी आंखों की वो डरावनी पुतलियां अब भी लाल थीं। हंसते हुए ही वो पलटकर अब जाने क्या सोच विचार करती उस वीरान झोपड़ी के अंदर चली गई। इधर महल में श्रावणी की पलकों तले उठे उस लाल प्रकाश को कोई भी देख पाता या राजवैद्य उसके बारे में किसी को भी बता पाते। उससे पहले ही वो लाल रोशनी गायब हो गई और अगले ही पल तेज सांसें लेती श्रावणी अजीब ढंग से चौंकते हुए उठ खड़ी हुई। बेटी दमयंती, रोते हुए रानी सुलक्ष्मी ने तुरंत अपनी लाडली को सीने से लगा लिया, मगर वहीं श्रावणी का चेहरा भावहीन था, जैसे वो कहीं खोई हुई हो। तेज सांसें लेती श्रावणी एक टक नजरें गाढ़े बस सामने वाली दीवार को घूर रही थी, मगर इस पर भी राजा नरेंद्र सिंह अपनी बेटी के पुनः होश में आने से खुश थे। राजवैद्य, नरेंद्र सिंह ने कड़क कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी बेटी की मूर्छा इतनी जल्दी मिटाने के लिए वाकई आपकी औषधियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। कहते हुए राजा नरेंद्र सिंह ने खुश होते हुए अपने गले में लटकती कीमती मोतियों की माला निकालकर इनाम स्वरूप उसे राजवैद्य को दे दिया। बेचारा राजवैद्य चाहकर भी राजा को नहीं बता पा रहा था कि राजकुमारी उसकी औषधियों से नहीं बल्कि किसी अजीब लाल प्रकाश से ठीक हुई है, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऐसा कहते ही ये सम्मान जो इस वक्त उसे मिल रहा है वो तो जाएगा ही, साथ ही उसकी नकारा औषधियों के चलते उससे राजवैद्य का दर्जा भी छीन लिया जाएगा। सो एक झूठी मुस्कान चेहरे पर चमकाते हुए राजवैद्य असली बात को छुपाते हुए बोले, और नहीं तो क्या महाराज, हमारी औषधियाँ विश्व विख्यात हैं। राजकुमारी जी को पिलाई हमारी दिव्य औषधि तो दूर दराज से मंगवाई एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये बूटी हमारे अलावा और किसी के पास भी नहीं है। महाराजा द्वारा दी गई कीमती मोतियों की माला को ले राजवैद्य अपनी बड़ाई करते हुए बोला, हम तुम पर प्रसन्न है राजवैद्य, परंतु कुशाल ने महाराज की बात काटते हुए कहा, इतनी हिम्मत उनके अलावा और किसी में न थी। महामंत्री कुशाण का परंतु सुनते ही जैसे राजवैद्य की जान गले को आ गई। हिम्मत करते हुए राजवैद्य ने पूछा, परंतु क्या मां मंत्री जी? राजवैद्य को डर था कि कहीं राजकुमारी की पलकों तले पल भर को उठी वो लाल रोशनी को महामंत्री कुशाण की तेज निगाहों ने भी ना देख लिया हो। सो कंप कपाते हुए उसने फिर पूछा, परंतु क्या कुशाण जी? परंतु कुशाण ने आगे कहा, हम जानना चाहेंगे कि अचानक राजकुमारी बेहोश कैसे हो गई? इसका कारण क्या है? राजवैद्य कुछ भी बोलते उससे पहले ही अंगरक्षक, कुशाण ने अब अपने पास सिपाही को पुकारा। इशारा पाते ही अंगरक्षक आगे आया और अब कुशाण ने पूछा, क्या राजकुमारी के बाजार से महल आते वक्त कुछ ऐसा विशेष घटित हुआ जो नहीं होना चाहिए था? ये सुनते ही अब अंगरक्षक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो अजीब बुढ़िया जिसने राजकुमारी को शाही बग्गी से खींचते हुए नीचे उतार लिया था, इस अंगरक्षक की देखरेख में हुई वो चूक बड़ी थी। कुशाण इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात वो जानता था। वो बूढ़ी अंगरक्षक उस लाल रहस्यमय बुढ़िया के बारे में बता पाता उससे पहले ही अजीब तरह से गुस्से में लाल हो श्रावणी यानी राजकुमारी दमयंती बोली, कुछ नहीं हुआ है महामंत्री जी, कुछ भी अजीब नहीं, सब ठीक है। ये कहकर श्रावणी फिर उसी सामने वाली दीवार को घूरने लगी। महारानी सुलक्ष्मी समेत सभी दमयंती द्वारा महामंत्री को इस तरह गुस्से में जवाब देने से हैरान थे। तभी मौके का फायदा उठाते हुए राजवैद्य ने फिर मस्का लगाते हुए कहा, हाँ महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, महामंत्री जी तो बस व्यर्थ ही, मेरा मतलब आज जो कुछ बाजार में राजकुमारी जी ने किया वो तारीफ के काबिल है, मगर उसके चलते राजकुमारी जी सुबह से भूखी होंगी और शायद इसी कारण। राजवैद्य अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही श्रावणी ने फिर बीच में टोकते हुए कहा, अजीब ढंग में, हाँ भूख, खाना,
मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए मुझे। शिनावणी अब कुछ कुछ होश में आने लगी थी। उस लाल रोशनी का सम्मोहन उस पर से उतरने लगा। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनते ही महाराज ने पास बैठे शाही हलवाई पेठालाल को घूर कर देखा। पेठालाल इशारा समझ गया और अब तेजी से औषधि छोड़ भागते हुए कुछ ही देर में एक बड़ी सी सोने की थाल में ढेर सारे शाही व्यंजन सजाते हुए कक्ष में ले आया और अब थाल श्रावणी के सामने रख बोला, लीजिए राजकुमारी जी। खाने से आती वो शानदार महक और एक साथ इतने सारे स्वादिष्ट पकवान देख श्रावणी जैसे उनमें खोसी गई। आज 3 दिन बाद उसे भोजन नसीब हो रहा था और वो भी ऐसा कि जिसे देख वहां मौजूद लगभग सभी का मन ललचा उठा। राज वैद्य सिपाहियों दासियों सभी के मुंह में पानी आ गया। वहां मौजूद मंत्रियों को तो खुद को रोकने के लिए अपनी नजरें यहां वहां घुमानी पड़ी। वहीं श्रावणी तो जैसे इस शाही थाल को देख कुछ पल के लिए अवाक रह गई। घी से तर बतर शाही घेवर, चूरमा, दाल बाटी, 3 प्रकार के लड्डू, बर्फी, बादाम की मिठाई, तरह तरह के चटपटे अचार, पापड़ी की सब्जी, अनेक फलों और सब्जियों से सजा वो खूबसूरत सलाद देख श्रावणी ने न ये सोचा कि आसपास कौन है, न ये ही कि वो सचमुच राजकुमारी दमयंती नहीं है। श्रावणी ने न आव देखा न ताव और टूट पड़ी खाने पर। इस तरह जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो, स्वर्ग से भी ज्यादा कोई निसर्ग मिल गया हो। कहते हैं ना, भूख मीठा या भोजन, यहाँ दोनों मीठा था। श्रावणी की कड़कती भूख और उस पर से शाही हलवाई पेठालाल द्वारा तैयार ये शाही भोज। श्रावणी बेतरतीबी से दोनों हाथों को सब्जी रायते चूरमे में डुबो डुबो कर खाने लगी। उसकी पूरी हथेली खाने से सन गई, यहाँ तक दाल उसके हाथों पर रेंगती हुई उसकी कोहनी तक आ पहुंची। उसका मुंह बर्फी और घेवर के रंगों से सन गया, मगर वो नहीं रुकी। अपनी राजकुमारी को जानवरों की तरह खाने पर टूटते देख वहां मौजूद सभी हैरान थे। और लाओ, रायते को कटोरी से एक ही बार में चट कर दी श्रावणी बोली। पेठालाल तुरंत रायता ले आया और अब शाही घेवर को थाली में फैले घी में चूरती हुई श्रावणी मुट्ठी भर भर गटकने लगी। ये भी लाओ। जी अभी लाया। और लड्डू भी, और बर्फी, चूरमा, ये सब्जी, ये सलाद जल्दी लाओ। श्रावणी को इस वक्त खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे वो तय कर चुकी हो कि चाहे जो हो, वो पकड़ी जाती हो तो पकड़ी जाए, उसका सच सामने आता हो तो आ जाए, उसकी किस्मत में अगर मौत भी लिखी हो तो वो भी, वो खाना तो खाकर ही मरेगी। राजकुमारी के इस सलीके से जहाँ महारानी सुलक्ष्मी थोड़ी परेशान थी, तो वहीं ये देख महाराजा नरेंद्र सिंह की अब मुस्कान बिखर आई। अपनी बेटी को देखते हुए महाराजा नरेंद्र सिंह बोले, याद है कुशाण, गुरुकुल में कड़े अभ्यास के बाद हम दोनों भी इसी तरह खाने पर टूट पड़ते थे, याद है? कैसे आचार्य आग्नेय हमें बार बार शांति से, शिष्टता से भोजन करने को बोलते थे और हम ठीक ऐसे ही दमयंती की तरह कड़े परिश्रम के बाद खाने पर भूखे पशुओं की तरह टूट पड़ते थे। आज पहली बार महाराजा नरेंद्र सिंह को अपनी बेटी में अपनी झलक दिख रही थी। पहले लोगों के बीच अपनी अनोखी सजा देने के तरीके से सबका दिल जीतना और अब बगैर किसी की परवाह किए जी खोल कर खाना, ये दोनों ही राजा नरेंद्र सिंह के भी गुण थे। वहीं इन सबको अनसुना करती श्रावणी अब भी खाना खाए जा रही थी, पर तभी एक तेज डकार श्रावणी के गले से निकल आई, जिसे सुन वहां उपस्थित सभी मंत्री सैनिक थोड़े असहज हो गए। खुद श्रावणी जैसे कुछ शर्मिंदा सी थी, मगर महाराज नरेंद्र सिंह सभी की झिझक मिटाते हुए बोल पड़े, वही न्याय, वही भोजन से प्रेम, और अब वही डकार, आप सबकी अगली रानी बेशक यही होने वाली है। कहते हुए महाराजा नरेंद्र सिंह ठहाका मार कर हंसने लगे, जिसे देख अब बाकी सब भी हंसने लगे। श्रावणी भी झेपती हुई चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए सभी से नजरें छुपाने लगी। वो अब लाल रोशनी के उस सम्मोहन से पूरी तरह आजाद थी। हमारी बेटी दमयंती की इस नई शुरुआत के लिए, उनके इस नए बेफिक्र अंदाज, स्वतंत्र विचार और बदले स्वरूप के लिए
आज शाम सभी मंत्रियों, सैनिकों और अतिथियों के साथ साथ भावनगर की पूरी प्रजा के लिए राजमहल में आज शाही भोज और विशिष्ट प्रस्तुतियों का ऐलान किया जाता है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर खुशी झलक आई, सभी के मुंह से वाह वाही निकल आई। राजन अमर भवतु, अमर भवतु, अमर भवतु, राजकुमारी अमर भवतु, अमर भवतु। महामंत्री कुशाण, आज शाम के इस भव्य कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। आज की शाम भावनगर के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो, ऐसा इंतजाम करो मित्र कुशाण। एक फीकी मुस्कान लिए कुशाण आयोजन की तैयारी के लिए निकल गए, मगर उनके दिमाग में अब भी कुछ चल रहा था। राजकुमारी दमयंती का यूं अचानक बेहोश होना, उनका ये बदला स्वभाव, ये बदला मिजाज कहीं न कहीं कुशाण को खटक रहा था। दूसरी तरफ श्रावणी डरी हुई भी थी और महारानी सुलक्ष्मी के द्वारा इतने प्यार और चिंता से गले लगाए जाने से भावुक भी। अपनी माँ के मरने के बाद आज कई सालों बाद श्रावणी के हिस्से माँ का ये प्यार और उसकी चिंता आई थी। डर से सहमी श्रावणी ने भी अब असली वजह छुपाते हुए भावुक हो महारानी सुलक्ष्मी को गले से लगा लिया। वहीं समय के दूसरे छोर पर भयनगर में सुबह हो गई थी, पर जैसे रज्जो की मचाई वो तबाही, उसकी वो चीखती आवाज, उसकी वो भयानक हंसी, दिल को चीरता उसका वो रोना, उसका वो विलाप, जैसे ये सब कुछ अब भी भयनगर की हवाओं में बह रहा हो। दक्षिणी जंगल से गांव की तरफ तेजी से बढ़ते योगी अमृत ये सब महसूस कर पा रहे थे। साथ ही वो ये सोच चिंतित भी थे कि भयानक विशंभर के सम्मोहन में आ वो ऐसा कुछ कर चुके हैं जो राय बहादुर समेत सभी पर भारी पड़ने वाला है। श्रावणी का वो खून जिससे वो शैतानी शक्तियां न केवल भयनगर में बल्कि पूरी दुनिया में तबाही ला सकती हैं, वो हंसी प्रलय के दूसरे रूप महादानव कुरूप के रूप में जैसे साक्षात मौत को योगी अमृत ने जागृत कर दिया था। कुरूप का वो भयानक रूप, उसकी वो सेना जो खुद योगी अमृत के मंत्रों और श्रावणी के श्रापित खून से उठ खड़ी हुई थी, शायद दुनिया का अंत, अच्छे का खात्मा यही था। हमें जल्द कुछ करना होगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राय बहादुर, हाँ वही अब सबकी आखिरी उम्मीद है। इस वक्त सब कुछ भुलाकर हमें न चाहते हुए भी राय बहादुर का साथ लेना ही होगा। पर क्या राय बहादुर पर भरोसा किया जा सकता है? ये ख्याल आते ही एक के बाद एक योगी अमृत के सामने सभी चित्र उभरने लगे। राय बहादुर की आंखों का हर बार रहस्यमय तरीके से काला होना, उनकी आंखों से बहते वो काले आंसू, राय बहादुर का अपने ही पिता को जिंदा जला देना, राजा नरेंद्र सिंह के गले को चीरती वो तलवार, वो केसरिया अंगूठा, आखिर क्यों उस दिन राय बहादुर ने अपनी रानी दमयंती को दूर ले जाने वाले, उनसे छीनने वाले उस विशंभर पर कोई वार नहीं किया? ये सभी सवाल और दृश्य धड़ाधड़ योगी अमृत के दिमाग में कौंध उठे, और कौंध उठी भयानक विशंभर की वो आवाज, उसकी कही वो बात जिसने योगी अमृत को अंदर तक हिला कर रख दिया था। राय बहादुर वैसा नहीं जैसा वो दिखता है योगी, कायर है वो, ये सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। अपना सच छुपाया है उसने तुमसे, मगर क्यों? जानना है राय बहादुर का काला सच, उसका असली रूप? हाँ योगी अमृत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, मगर तभी विचारों में डूबे तेज गति से आगे बढ़ते योगी अमृत के कानों में एक साथ ढेर सारे कौओं की आवाज पड़ी। इतने सारे कौवे एक साथ देख योगी अमृत हैरान थे। एक बार को उन्हें अजर का वो भयानक रूप याद आ गया, मगर ये कौवे उन पर हमला करने नहीं, जमीन पर पड़ी किसी चीज के ऊपर झुंड बनाकर टूट पड़े थे। कौओं की उस आवाज में एक अजीब चुभन थी जिससे योगी अमृत की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो देखना चाहते थे कि ऐसा क्या पड़ा है जमीन पर जिस पर ये सैकड़ों कौवे टूटते हुए इतना शोर मचा रहे हैं। कौओं के शोर के बीच घबराते हुए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, पर जैसे जैसे योगी अमृत आगे बढ़ रहे थे
उन कौओं की चीखें और बढ़ती जा रही थीं और उसी के साथ बढ़ रही थी योगी अमृत के दिल की धड़कन और पसीने के रूप में माथे से टपकती उनकी घबराहट। आखिर क्या है वहाँ? बढ़ते हुए योगी अमृत अब कौओं के उस झुंड के ठीक सामने खड़े थे कि तभी जैसे सभी कौओं की नजर योगी अमृत पर पड़ी और अचानक सभी कांव कांव करते जमीन को छोड़ तेजी से योगी अमृत की ओर मुड़े। योगी अमृत घबराए, जैसे डर से उनकी धड़कनें रुक गईं और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। वहीं इधर समय के इन दोनों रहस्यमय छोरों के बीच भयनगर के भयानक दक्षिणी जंगल और अतल लोक में उलझे भावनगर के बीच समय काल और सभी ताकतों से अछूती उस गुफा में महायक्ष द्यूत केतु की गुफा में जैसे कोई जाग उठा था। आखिर कौन जाग उठा है? योगी अमृत की ओर मुड़े वो सभी कौवे क्या उन पर हमला कर देंगे? क्या महामंत्री कुषाण को श्रावणी की सच्चाई पता चल जाएगी? उस रहस्यमय बुढ़िया के लाल सम्मोहन का राज क्या है? कहाँ है राय बहादुर? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।